आज ये सॉल्यूशन का तीसरा लेक्चर है। इसमें मात्रा हमको पढ़ना है मोलारिटी और मोलारिटी। इस मोलारिटी और मोलारिटी को हिंदी में अब हम बात करेंगे मोलारिटी का, तो हिंदी में इसको पढ़ते हैं मोलरता, मोलरता अथवा इसी को पढ़ते हैं ग्राम अणुता, ग्राम अणुता। और ये पढ़ा जाता है क्या इंग्लिश में, इसे पढ़ेंगे हम मोलारिटी। अब मोलारिटी होती क्या है? मोलारिटी को समझाने के लिए हम ये बता दें कि किसी बिलियन के एक लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। यानी किसी एक लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या संख्या को क्या पढ़ेंगे? मोलरता कहते हैं। इसको दर्शाते किससे हैं? कैपिटल एम से। ये इसकी डेफिनेशन हो गई। दर्शाना है इसको किससे? कैपिटल एम से। अगर इसी को हम इंग्लिश में बात करें कि इंग्लिश में इसे हम क्या कहेंगे, तो नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, ऑफ सोल्यूट विच आर प्रेजेंट, विच आर प्रेजेंट इन, विच आर प्रेजेंट इन वन लीटर सोल्यूशन, वन लीटर सोल्यूशन। बात ये हो गई, ये डिफिनेशन की बात हो गई। इस डिफिनेशन को लिखने के बाद हमने ये देखा कि अगर ये ऐसा है तो इसका फार्मूला बनाना पड़ेगा। फार्मूला क्या हो जाएगा? एम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम, जो कि लीटर दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, यानी लीटर में सोल्यूशन की बात करेगा। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर में हमने बात कर लिया। अब इसको हम डिनोट करने का फंडा ले यूज कर लें, तो इसको जो डिनोट करते हैं नंबर ऑफ मोल को, तो यन करेंगे और डिवाइडेड बाई इसको भी करेंगे, बट ये है किसमें? लीटर में। लेकिन आपको पिछली कक्षा में ये बताया जा चुका है कि नंबर ऑफ मोल यानी यन इज इक्वल टू होता है क्या, क्या होता है, क्या होता है? भार बटे अणुभार, भार बटे अणुभार। अब भार को हम डिनोट कर लें किससे? W से। अणुभार को डिनोट कर लें हम किससे? M से। और ये भी ध्यान दे लें कि अगर ये विलेय के लिए है तो A डिनोट कर सकते हैं, B डिनोट कर सकते हैं, ये अपनी मर्जी होगी, आप अपने हिसाब से कर लें। अगर विलेय को आप ए मानते हैं तो यहाँ पर ए ए लिख करके चलेंगे, और अगर विलेय को आप बी मानते हैं तो यहाँ बी भी लिख करके चलेंगे, और अगर नहीं मानते तो ऐसा करके। ये डिनोटिंग है, आप अपने इच्छा अनुसार कुछ भी डिनोट करके रख सकते हैं। तो यन इज इक्वल टू भार डिवाइडेड बाई अणुभार हो जाएगा। तो जब भार बटे अणुभार होगा तो ये किसका भार होगा? ये किसके मोलों की संख्या है? विलेय के मोलों की संख्या है, तो विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार। एक नया फार्मूला जो यहाँ पे बनेगा वो कुछ इस तरह से होगा, एम इज इक्वल टू, तो डब्ल्यू हो जाएगा यानी विलेय का भार, ठीक है, डिवाइडेड बाई एम यानी विलेय का अणुभार इनटू करेंगे विलयन का आयतन किसमें? लीटर। ये बात आपके समझ में आ गई होगी, ये नोट करते जाएंगे, आपको नोट हो गया होगा, नोट हो गया। हम ऊपर से मिटा देते हैं, डेफिनेशन तो हो गई। चलिए
आप ये जो फार्मूला आपका बना, ये फार्मूला आपका सेटिस्फाई नहीं हुआ, अभी पूरा नहीं हो पाया। इसको पूरा करने के लिए आप ये नोट करेंगे, फिर इसके बाद लिखेंगे यहाँ पर। इसको नोट करने के लिए आपके पास आएगा क्या, कैपिटल एम इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा डब्ल्यू डिवाइडेड बाई कैपिटल एम इंटू वी। अगर इसको आप एम एल कर दें, क्या कर दें, एम एल में कर दें, तो ऊपर इंटू हो जाएगा कितना, 1000 का। तो आपके पास जितने भी फार्मूले थे वो फार्मूले दिए जा चुके हैं, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन ये आया है कि मोलों की संख्या को बताना है, तो मोलों की संख्या इसका तो भार वही अणुभार होता है। आपसे अणुभार कैलकुलेशन मैंने पहले भी बताया हुआ है, तो जनरली इसको सीखना है, यानी 30 एटम तक आपको आना चाहिए पूरे, 1 से लेकर 30 तक सभी एलिमेंट्स का परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर एंड अनुभार निकालते आपसे आना चाहिए। सीखिए, जहाँ कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है, नहीं आता है, तो उसको आप कमेंट कीजिए, निश्चित तौर पे मैं बताऊंगा और वो समझ में भी आ जाएगा। तो अगर इसको लेकर के हम ये बात करें कि इसकी यूनिट को कैसे हम कन्फर्म करें, तो यहाँ पे यूनिट भी कन्फर्म कर लें तो ज़्यादा बेटर हो जाएगा। तो यूनिट इज इक्वल टू होता क्या है, यूनिट में आपको दिया हुआ है मोल बाई वॉल्यूम, तो मोल ये है, नंबर ऑफ मोल है तो मोलों की संख्या है, मोलों की संख्या की यूनिट तो क्या होगी, मोल ही होगी। तो ये लिख दिया मोल डिवाइडेड बाई लीटर है तो लीटर हो जाएगा, तो इसकी यूनिट जो बनेगी वो हो जाएगा मोल पर लीटर। ध्यान देंगे, आना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आते रहते हैं तो आपसे बन जाना चाहिए। कभी कभी ये क्या होता है, ग्राम मोल भी लिखा रहता है, तो ग्राम अणुता लिखा हुआ है तो ग्राम मोल पर लीटर भी लिखा है, तो यूनिट को आपको वही मिलेगा। अब आती है बात इसमें कि क्वेश्चन कैसे आएंगे, हम इन क्वेश्चनों को कैसे करेंगे। तो क्वेश्चन करने के लिए आपको कुछ क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं, लिख के देखते हैं आ जाता है कि नहीं आ जाता, बनेगा ये निश्चित है, ये रखा हुआ है आपके सामने। चलिए अगर क्वेश्चन पे बात करते हैं, मैंने क्वेश्चन दिया है, बड़ा सरल सा क्वेश्चन है, बोले क्या, बिल्कुल मैंने लिखा क्वेश्चन में कि 4 ग्राम NaOH is dissolved in 1 liter solution. 1 liter solution. अब आपको इसको 1 liter solution determine